हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 15 महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जगदीश चंद्र बसु ने जो पेड़ पौधों में भी जो जीवन होता है उसके बारे में साबित किया था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे उनकी जीवनी के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 109, लास्ट पैराग्राफ। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ था। बसु का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ था। यह जिला अब बांग्लादेश में है। जिला कहाँ? अब बांग्लादेश में है। वे बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ते थे। बसु को बचपन से ही ये रामायण और महाभारत पढ़ने में रुचि थी, दिलचस्पी थी, तो वे रामायण और महाभारत पढ़ते थे। महाभारत में कर्ण था। जब उन्होंने बसु ने महाभारत पढ़ी तो उसमें जो कर्ण था, जिसने सफलता के लिए जीवन भर संघर्ष किया, मतलब सफलता प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया, मतलब कि स्ट्रगल किया, उन्हें बहुत प्रभावित किया था और इसी ने उन्हें प्रेरणा दी। वे यह विश्वास करने लगे कि सच्ची विजय का जन्म पराजय में से होता है। फिर वह क्या विश्वास करने लगे कि सच्ची विजय का जन्म पराजय में से होता है। सच्ची जो विजय, विजय का अर्थ है जीत, का जन्म पराजय यानी कि हार में से होता है। अर्थात सच्ची जीत का जन्म हार में से होता है। पेज नंबर 110। जब उन्होंने सेंट सेवियर कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया तो उन्हें अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लड़कों की संगति मिली। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया ना, तो उन्हें अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लड़कों की संगति में साथ मिला। उन छात्रों में से एक मुक्केबाज था। एक छात्र था, वह मुक्केबाज था, जो अक्सर मतलब अधिकतर ज्यादातर जगदीश से कुछ छेड़छाड़ करता रहता था। किसी न किसी बात पर लेकर कुछ न कुछ नोकझोंक करता रहता था। एक दिन जगदीश इस छेड़छाड़ को सह न सके और उस लड़के का सामना करने लगे। रोज रोज परेशान आकर जगदीश उस छेड़छाड़ को सह न सके और एक दिन उस लड़के का सामना करने लगे। इस लड़ाई में किसी तरह विजय जगदीश की हुई। जो इस लड़ाई में जो जीत उसकी हुई, जगदीश की हुई। इससे उनके कक्षा के छात्र उन्हें सम्मान यानी इज्जत की दृष्टि से देखने लगे। अब कोई उन्हें तंग भी नहीं करता था। अब इस घटना के बाद में जगदीश को कोई परेशान भी नहीं करता था। जब रॉयल सोसाइटी के शरीर क्रिया विज्ञानियों ने उनकी आलोचना यानी कि निंदा कि जब रॉयल जो सोसाइटी थी उसके जो वैज्ञानिक थे, शरीर के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आलोचना की यानी कि निंदा की, तो उन्होंने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और पहले की तरह जीत उन्हीं की हुई। किसकी जीत हुई? जगदीश की। 2 वर्ष के अथक परिश्रम यानी कि कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। नाम था रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि हिंदी में कहते हैं सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव। रॉयल सोसाइटी के आश्वस्त कर दिया कि वे ठीक थे। आश्वस्त करना यानी कि उन्हें संतुष्ट करना कर दिया कि अब वे खुद ठीक थे। उनका वह भाषण जिसे पहले प्रकाशित नहीं किया गया था अब प्रकाशित करके सारे संसार में भेजा गया। जो उनका जो भाषण था जो पहले प्रकाशित नहीं किया गया था अब उसमें उसको प्रकाशित करके पूरे संसार में भेज दिया गया। बस यहाँ से वे विश्व विख्यात हो गए। विश्व विख्यात अर्थात पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए, पूरे विश्व में फेमस हो गए। तो बच्चों इसको आप यहाँ तक 2 बार अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।